क्लोन की मदद से अंगूठे का निशान तैयार कर फ्रॉड ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ रुपए की जालसाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अधिवक्ता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों के पास से भारी मात्रा में 1500 से ज्यादा क्लोन आधार कार्ड नंबर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपितों की पहचान पीएससी कैंप बिछिया निवासी कृष्ण नंदन पांडे, पादरी बाजार निवासी जयशंकर यादव, शाहपुर के चरगावा निवासी नरेंद्र रंजन खजनी के, भगवानपुर निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार पासवान, खलीलाबाद निवासी मनोज कुमार यादव, कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के मुंडेरा लाला निवासी सदानंद श्रीवास्तव, नंदानगर निवासी उपेंद्र सिंह और बिछिया निवासी लल्ला कुमार सिंह के रूप में हुई है। शनिवार को एसएसपी जोगिंदर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि रामगढ़ताल इलाके के सुनील कुमार सिंह के खाते से 20,000 रुपए की जालसाजी की शिकायत पुलिस के पास आई थी। इसमें ग्राहक सेवा केंद्र से रुपए निकाले गए थे, जिसमें ग्राहक सेवा केंद्र से 20,000 रुपए की जालसाजी की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। लल्ला सिंह ने फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र खोल लिया था और फिर उसी आईडी का इस्तेमाल कर फ्रॉड किया जा रहा था। अधिवक्ता उपेंद्र रजिस्ट्री दफ्तर से नकल के माध्यम से अंगूठे का निशान और आधार कार्ड नंबर हासिल करते थे और फिर गैंग के लोग मिलकर ग्राहक सेवा केंद्र से रुपए फर्जी खातों में ट्रांसफर कर लेते थे, फिर एटीएम की मदद से उसे निकाल लेते थे। पुलिस ने 775 फिंगरप्रिंट, 4 बायोमेट्रिक डिवाइस, 9 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 10 मोबाइल, 135 रजिस्ट्री पेपर, 1574 आधार कार्ड डाटा, 1 लैपटॉप, 2 चार पहिया वाहन, 44,800 नगद, 1 प्रिंटर और 1 स्कैनर बरामद किया है। इनके 2 साथी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस टीम लगी है। एसएसपी जोगिंदर कुमार ने गैंग रजिस्टर्ड कर सभी के ऊपर रसुका भी लगाने की बात कही है। खुलासे के दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, हाँ बस जब पहुँच गए चलो फर्स्ट लेके बड़ा फर्स्ट लेके बड़ा फर्स्ट लेके बड़ा मैं नहीं पढ़ूंगा, किसी को याद ही है वही पढ़ूंगा, व्हाइट हाउस आ रही है Thank you.
से काफी स्पष्ट होता है। ये जनपद गोरखपुर की साइबर सेल जो हमारी है उसके द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें फिंगरप्रिंट्स का क्लोन बनाकर खातों से धन निकासी करने वाले 8 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। ये 8 अभियुक्त जिन्हें अरेस्ट किया गया, इनकी अभिरक्षा से 775 फिंगरप्रिंट्स बरामद किए गए हैं, जो क्लोन किए गए हैं लोगों के, विभिन्न लोगों क्लोन फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं। 4 बायोमेट्रिक डिवाइस इनसे मिले हैं, 9 अदद विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड्स मिले हैं, 12 सिम मिली है, 10 मोबाइल मिले हैं इनके पास से, 135 रजिस्ट्री पेपर जिससे ये लोग अंगूठा और क्लोन करने के लिए आधार कार्ड और जो फिंगरप्रिंट्स होता है उसको लेते थे ये लोग, 2 अदद रजिस्टर मिले हैं जिसमें 1574 आधार कार्ड के डेटा इनके पास अवेलेबल है, 1 लैपटॉप मिला है और 2 अदद 4-पहिया वाहन मिले हैं। कुल नकद 44,810 रुपये बरामद हुए इनसे। ये लोग ग्राहक सेवा केंद्र पर AEPS ट्रांजेक्शन के माध्यम से, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा, ये लोग अन्य किसी का खाते से फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के माध्यम से पैसा निकाल लेते थे और कई दिनों से ये अभियुक्त ये लोग काम कर रहे थे। इसमें हमारे जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे लिखे गए और जिन लोगों के पैसे निकाले गए उनके पीड़ितों ने हमें शिकायत करी, जिसकी साइबर सेल जांच कर रही थी कंटिन्यूस पिछले 2 महीने से। उसमें साइबर सेल को अच्छे सबूत मिले, इसमें 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, बाकी 1-2 अभियुक्त और हैं जिनकी हमें तलाश जारी है। इन अभियुक्तों पर चूँकि यह बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपराध है पब्लिक के साथ, इसमें हम गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रहे हैं और NSA भी लगाने जा रहे हैं। जो लोग यह क्राइम कर रहे हैं यह एक तरीके से देश की आर्थिक संप्रभुता पे हमला है, इसलिए हम लोग इनको इकोनॉमिक, चूँकि बहुत बड़ा ऑफेंस है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो हम लोग इस पे NSA की कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास चूँकि ये 10,000-20,000 जो भी कुछ मिलता था उसमें पैसे निकाल लेते थे, तो कुछ लोगों ने शिकायत न भी की होगी, लेकिन हमारे पास 4 अभी तक ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसपे हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। अन्य लोग जो पब्लिक के लोग ठगे गए हैं इनके द्वारा, वो भी हमारे पास हो सकता है इसको देख करके आ जाए कि साहब हमें भी ठगा इन लोगों ने, और हम इनको 4 मुकदमों में तो जेल भेज ही रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी FIR मिलेगी सबको क्लब किया जाएगा, जितनी भी शिकायतें मिलेगी मुकदमा लिखा जाएगा और इनको उसमें जो है अपराधी एक तरीके से वारंट लेकर के कार्रवाई की जाएगी। ये संयुक्त रूप से ही काम करते थे, इनका अलग अलग काम होता था, कोई ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा है तो कोई क्लोनिंग का काम कर रहा है, लेकिन एक साथ मिलकर ये काम करते थे और एक साथ काम करने से इनको जो है जो फ़ायदा मिलता था वो पैसा जो है आपस में लोग बांट लेते थे। तो गोरखपुर जनपद और आसपास के जनपदों में ये लोग सक्रिय थे और रहने वाले भी गोरखपुर और आसपास जनपदों के हैं। हम लोग इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। ये अपने ही घरों में रहते थे।